नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल रोकुंजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। दोस्तों, आज के दिन हमें इस स्टॉक में 3% से ज्यादा का पॉजिटिव अपट्रेंड देखने को मिला था। आज का डे का इसका हाई था 235 का और स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 228.50 पे, यानी कि 2.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है टाटा पावर ने। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टाटा पावर में क्या न्यूज है जिस वजह से हमें टाटा पावर में एक अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला है। एंड लास्ट में हम ये जानेंगे कि हमें टाटा पावर के स्टॉक में कहां पर एंट्री लेनी है और कितना परसेंट का टारगेट देखने को मिल सकता है आगे हमें टाटा पावर के स्टॉक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, टाटा पावर के स्टॉक के भी प्राइस चल रही है 228.50 और आज के दिन हमें टाटा पावर के स्टॉक में 2.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों, टाटा पावर में जो न्यूज है उस न्यूज को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने में आसानी हो। दोस्तों, टाटा पावर में जो न्यूज है वो ये है कि टाटा पावर में ब्लैक रॉक कंपनी के चेयरमैन लैरी फिंक इन्वेस्टमेंट करेंगे 3,750 करोड़ से लेकर 5,625 करोड़ तक का। दोस्तों, अभी तक ये न्यूज क्लियर नहीं हुई है कि सच में ब्लैक रॉक के चेयरमैन लैरी फिंक टाटा पावर में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर नहीं। अगर ये न्यूज क्लियर होती है तो आगे हमें टाटा पावर के स्टॉक में और भी अच्छा अपट्रेंड देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, यानी कि लास्ट 3 या 4 मंथ में। लेकिन अभी तक ये न्यूज क्लियर नहीं हुई है, सिर्फ एक न्यूज ही है जो हमें देखने को मिली है। इस न्यूज की वजह से आज के दिन हमें टाटा पावर के स्टॉक में 2.5% से 3% का पॉजिटिव अपट्रेंड भी देखने को मिला है। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि लैरी फिंक है कौन। दोस्तों, लैरी फिंक ब्लैक रॉक कंपनी के चेयरमैन है और ब्लैक रॉक कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है अमेरिका की जो न्यूयॉर्क में बेस्ड कंपनी है। दोस्तों, अब हम टाटा पावर का चार्ट देख लेते हैं कि टाटा पावर में हमें कहां पर एंट्री लेनी है और कहां पर हमें स्टॉक में एग्जिट लेना है। दोस्तों, लास्ट कुछ दिनों से टाटा पावर का स्टॉक एक ही रेंज में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यह स्टॉक 235 से 200 की प्राइस की रेंज में घूम रहा है। अगर यह स्टॉक 237 या 238 की प्राइस ब्रेक करता है और सस्टेन होता है तो आगे हमें 260 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 300 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के अंदर। लेकिन अगर यह स्टॉक 200 की प्राइस ब्रेक करता है, 197 की प्राइस के नीचे जाता है तो आगे हमें 175 और 170 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा टाटा पावर की न्यूज और टाटा पावर में कहां पर एंट्री लेना है और एग्जिट लेना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।